Today's message has the potential to turn your life around. आज हमें पूरा यकीन है कि जो संदेश आज का है ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए काबिल और सक्षम है. Yes, let's go to the book of Genesis 43, please. चलिए निकालेंगे समय उत्पत्ति का अध्याय 43. Genesis 43 and let's read from verse 1. और उत्पत्ति का 43वां अध्याय और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से. Yeah, here we go. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now the famine was very severe in the land. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि उस देश में अकाल बहुत ही भयंकर हो गया. Notice something over here. गौर करें यहाँ पर. That this land was not ordinary land. This was Canaan land. और देखिए ये देश जो था ये कोई मामूली देश नहीं था, ये कनान देश था. This was the land that God wanted them to be in. और देखिए ये वही देश था जहाँ पर परमेश्वर ने उसे कहा था यहाँ पर उनको रहना है. And yet there was a famine in the land. और फिर भी उस देश में अकाल पड़ गया. How many times God's people have asked that I am in the place where God has told me to be and yet I'm experiencing a famine, why? और कई बार देखिए लोगों ने यह सवाल पूछा है कि जिस जगह पर होने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया मैं उसी जगह पर हूं लेकिन फिर भी क्यों मुझे अकाल का सामना करना पड़ रहा है? I want to tell you, you are in the place where God has called you to be. Come on, somebody. और आपको बताना चाहते हैं आप उस जगह पर हैं जहां परमेश्वर ने आपको होने के लिए बुलाया है. And if I am in the place where God has called me to be, then why are things not working out? Why is there no breakthrough? Why is it that I'm suffering famine? और अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उस जगह पर होने के लिए जहां पर मैं हूं तो क्यों मुझे इस तरह का अकाल का सामना करना पड़ रहा है, क्यों मुझे संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है? Today God is going to answer that question of yours. और आज परमेश्वर आपके सवाल का जवाब देने जा रहा है. If you believe that, raise your hand and say, I receive this word. Come on. अगर आप इसमें विश्वास करते हो तो चलिए अपने हाथ उठाकर इस विषय को मैं ग्रहण करता हूं. Now I want to deal with this question now. और इस सवाल से निपटना चाहेंगे. So today I'm dealing, why was there famine in the promised land where God called them to be. और आज चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने जिस जगह पर होने के लिए उनको बुलाया उस जगह पर अकाल का उनको सामना करना पड़ा. It causes to doubt God. और देखिए इससे क्या होता है कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक संदेह उत्पन्न होता है. No, this is not the whole message. This is just one thing. And you know why they were experiencing famine in spite of being in the place where God called them to be? I'll tell you why. Because Joseph, the presence of God in those days was in Egypt. और हम देखते हैं देखिए कि यहाँ पर एक सवाल उठता है और क्यों जिस जगह पर वे थे वहां परमेश्वर ने होने के लिए बुलाया लेकिन फिर भी वे अकाल का सामना करना पड़ रहा था उन्हें. इस वजह से बताते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उन दिनों मिस्र में हुआ करती थी. They were in the place where God was, not is. और देखिए वे उस जगह पर थे जहां पर परमेश्वर था ना कि है. Many times बहुत बार we are in a place where God was, we are not in the place where God is. हम उस जगह पर होते हैं जहां परमेश्वर हुआ करता था लेकिन उस जगह पर नहीं जहां परमेश्वर अभी है. People build monuments and structures around where God was. You know, today we the people, we need to understand where God is, where God is, where God is moving. You see the presence of God. Joseph was in Egypt. That is why to experience the blessing they had to move from that place to where the presence of God was. Somebody needs to shout a hallelujah. Come on. देख सकते हैं आज लोग ऐसा करते हैं कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी वहां पर लोग प्रतिमा बना लेते हैं, स्मारक बना लेते हैं लेकिन आपको बताना चाहते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति कभी हुआ करती थी. लेकिन यहां पर हम देखते हैं यूसुफ पहले से मिस्र में था, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी. इसलिए उन लोगों को जहां पर वो पहले थे जहां परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी वहां से निकलकर मिस्र में जहां परमेश्वर की उपस्थिति उस समय है वहां पर जाना था. यू विल एक्सपीरियंस अ लाइव प्रेजेंस ऑफ गॉड. आप परमेश्वर की जीती जागती उपस्थिति का अनुभव करेंगे. सो व्हेन यू डू दैट, जब आप ये करते हैं, व्हेन यू डू दैट, जब आप ये करते हैं, मे बी योर फिजिकल लोकेशन डजंट हैव टू चेंज बट व्हेन यू एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंस of God, everything that God has promised for you, everything that God has for you will be released in Jesus' name. शायद हो सकता है कि आपको आपके शारीरिक जगह को, शारीरिक स्थान को बदलने की जरूरत ना हो, लेकिन जब आप उस जगह पर होते हैं, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, तो देखिए हर एक चीज जो परमेश्वर के पास आप सभी के लिए संजोए रखी गई, वो आपके लिए मुक्त हो जाएगी. Come on, hallelujah. चलिए बोले hallelujah. What do you mean, Pastor? पास्टर जी आपके कहने का मतलब you see, you can pray. देखिए आप प्रार्थना कर सकते हैं and still not experience the presence of God. फिर भी संभव है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव न करें. It can become a religious time. ये आपके लिए धार्मिक समय का दौर हो सकता है. Somebody asked you, did you pray? कोई अगर आपसे पूछे कि आपने प्रार्थना की? And you say, yes, yes, I prayed. और आपने आप कहेंगे हाँ हाँ मैंने प्रार्थना की. But did you experience him? लेकिन क्या आपने उसका अनुभव किया? Oh no. Oh नहीं. You read the Bible. आप बाइबल पढ़ते हैं. And God doesn't speak to you. और परमेश्वर आपसे बात नहीं करता. So you see. तो आप देखते हैं. You have to experience the presence of God to come out of your famine, to receive your breakthrough. Somebody needs to receive this. Come on. परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें ताकि आप अपने उस बुरे दौर में से अकाल में से बाहर निकल कर आएं. Let me take it further right now. चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त. See, that's why people are saying, I'm praying and nothing is happening. I'm doing this and nothing is happening.
That's the reason you need to experience His presence. Come on, somebody. इसी वजह से देखिए लोग बोलते रहते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं. मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं. इसलिए जरूरी है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने का जरूरी. Pastor, I was doing family prayer. Nothing happened in my family. Hey, during your family, the glory of God must come down. Hallelujah. शायद आप कहते हो पासवान जी, हम सभी मिलकर पारिवारिक Not as a ritual. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा कुछ हमें अनुभव नहीं होता, कुछ हो नहीं रहा. जरूरी है कि देखिए परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आपके परिवार में उतरनी चाहिए, धार्मिक तौर पे नहीं. The second thing, Genesis 43 verse 2, and it came to pass when they had eaten up the grain which they had brought from Egypt that their father said to them, go back, buy us a little food. और दूसरे वचन में पढ़ेंगे, ऐसा हुआ जब वह अन्न जो वे मिस्र से लेकर आए थे खत्म हो गया तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल लेकर आओ. Everything that they had, जो कुछ भी उनके पास था, now was finishing. अब सब कुछ खत्म हो गया. You see, when the anointing is there, देखिए जब अभिषेक होता there's है, a perpetual flow. तो एक प्रकार का बहाव वहाँ पे मिलेगा. But moment the anointing stops, लेकिन जिस पल अभिषेक रुक जाता है, people start experiencing lack. लोग अनुभव करने लगेंगे कमी घटी का. Lack is a sign of the absence of the presence of God. कमी घटी जो है ये निशानी है, या कहें ये चिन्ह है परमेश्वर की उपस्थिति वहां मौजूद नहीं है. You see the widow. आप देखते हो उस विधवा को. She had little oil and a flour. The moment Elijah came and released the presence of God, the things start multiplying even during the famine. Come on, somebody. देखते हैं वो विधवा, उसके पास थोड़ा सा yes. थोड़ा सा मैदा था और बिल्कुल कमी घटी के दौर में चल रहे थे, लेकिन जिस पल परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलिया वहां पर पहुंचे, उसके बाद अभिषेक बढ़ने लग गया और उनका जो आटा और तेल जो था उस अकाल के दौर में भी लगातार बढ़ता फूलता. I don't know whom I'm speaking to. पता नहीं किसको हम. Your lack is about to be defeated in Jesus name. आपकी कमी घटी बस हार वाली है. Lift your hands and say, Holy Spirit, come. Say, in the name of Jesus, Father, release your presence in every area of my life. Begin to pray. Take this prayer point and begin to pray for the next 10 seconds right now. Begin to pray. See, your lack will turn around. I want to tell you this. No matter you're experiencing lack in your marriage, lack in your relationship, lack in your finances, lack is going to turn into abundance in the name of Jesus. Come on. शादी में या आप अपने संबंध में या अपने काम धंधे व्यवसाय में कहीं पर begin to pray, begin to pray. आप कमी घटी का अनुभव कर रहे हैं, आपकी कमी घटी बस पलटने yes. वाली है. Everybody lift your hand right now. चलिए सभी लोग अपना हाथ उठाएं. And say, Holy Spirit, come. That's why David could pray, the Lord is my shepherd, I shall not lack, I shall not want. Raise your hand everybody and say, Holy Spirit, come. Come upon my business, come upon my job, come in my home, and your lack is about to be defeated in the name of Jesus. People rejected you, they're going to call you back again. जिस जगह पर लोगों ने आपको ठुकराया था, आपको वापस दोबारा बुलाया जाएगा. Where your application was rejected, they will stamp it and give you an increment. Come on. जहां पर आपका निवेदन ठुकरा दिया गया था, उस पर वे छाप मारेंगे, मोहर लगाकर आपको वापस बुलाएंगे. Somebody raise your hand and say, I receive it in the name of Jesus. हाथ उठाकर कहा, मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में. This is how it moves, my brother. इसी तरीके से काम करता है मेरे भाई. See, they were experiencing lack. और देखिए वे कमी घटी का अनुभव कर रहे थे. Now here is something very interesting now, the third point. पर हम पाते हैं कुछ तो बहुत ही दिलचस्प तीसरा मुद्दा. But Judas spoke to him saying, तब यहूदा ने उनसे कहा, see notice nobody is speaking. और गौर करें यहां पे दूसरा कोई नहीं बोल रहा. Everybody is like, okay, who cares, you know? और सभी लोग देखें, ठीक है, किसे परवाह है? Why should I stick my neck out? और क्यों मैं अपना गर्दन बीच में डालूं? But then Judas speaks. फिर उसके बाद हम देखते हैं यहूदा ने बोला. Everybody is silent. हर कोई वहां पे खामोश थे. You see, when there is an issue, और देखिए जब कोई मामला खड़ा होता है, very few people speak. तब बहुत ही कम लोग बात करते हैं. After it happens and everything is broken and destroyed, then they will say it should have been done like that. This should have happened. That should have happened. और सब कुछ देखिए खत्म हो जाने, सब कुछ तबाह बर्बाद होने जाने के बाद के लोग बोलेंगे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था. Your Judah is speaking now. यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा बोल रहा है. Among all the brothers, he sticks his neck out and says, Father, he speaks to his father Jacob. और देखिए सभी भाइयों के बीच में से वो खुद सामने आकर कहता है अपने पिता याकूब से. This third point. This is a sign of an intercessor. यह मध्यस्थी विनती करने वाले का चिन्ह है. An intercessor is one who speaks out his heart to the Father. प्रार्थना विनती करने वाला व्यक्ति वो होता है जो अपना दिल अपने पिता से बोलता है. Shares the burden that he's carrying with the Father. He doesn't go to the phone. He goes to the throne. Come on, somebody. वो अपना बोझ अपने पिता से बांटता है. देखिए फोन की तरफ नहीं जाता, वो सिंहासन की तरफ जाता है. Listen. सुनिए. There may be an issue in a marriage. There may be issue in your job, in your finances. Take that burden to the Father.
और शायद हो सकता है आपके शादी में, आपके नौकरी में, आपके संबंधों में किसी प्रकार का ऐसा मामला है, तो आप उसे पिता के पास लेके जाएं। The third point, intercessor is a person who presents the situation clearly to the father. Come on, somebody. और बिनती प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो मामलों को साफ तौर पे पिता के सामने पेश कर देता है। Everything, he doesn't hide the details. He just or she gives it to the father. और देखिए, कोई भी जानकारी को वो छिपाते नहीं है, लेकिन वो सब कुछ पिता के सामने पेश करते उन्हें देते हैं। Not that the father doesn't know. और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पिता को पता नहीं। But you see, the very act of sharing that burden to the father develops your relationship. लेकिन यह हकीकत कि आप अपना बोझ पिता से बांट रहे हैं, यह आपके संबंध को और मजबूत बनाता है। And that's what exactly the father wants. और यही तो बिल्कुल पिता चाहते हैं। Share your burden, share your heart, share your desire with the father. Come on, somebody. Hallelujah. अपना बोझ, अपना दिल, अपना तमन्ना, अपनी लालसाओं को पिता से बांटें। Come on, how many of you being blessed right now? चलिए, कितने लोग आशीषित हो रहे हैं? Lift your hand and say, Lord, I bring my burden to you today. चलिए, अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मैं अपना बोझ आपके सामने लाता हूं। Come on, begin to pray right now. प्रार्थना करना शुरू करें। And share, open your heart. What is your number one thing that is bugging you, that's pulling you? Just share it with the Father. Do it right now. चलिए, अपने दिल को खोलिए और वो क्या चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं या आपको बहुत ही एकदम 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 फिक्रमंद में लाती हैं। चलिए, पिता से बांटें। Maybe it's your personal issue. Maybe it's an issue in your family. Maybe it's an issue in your business, in your job, or concerning with your neighbor. Share it with the Father right now. Say in the name of Jesus. Say it right now. चलिए, शायद हो सकता है कोई आपका व्यक्तिगत मामला हो, या संबंध में, या शादीशुदा जीवन में, या आपका कोई पारिवारिक मामला हो, Glory. या नौकरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, चलिए पिता से बांटे सीधे। Holy Spirit, move upon every person that is watching this, connected to this broadcast right now. पवित्र आत्मा हर एक व्यक्तियों पर जो इस ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए मंडराने लगे इस वक्त। Let their prayers rise as incense before the throne of God. और दीजिए कि उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक सुगंध धूप के समान पहुंचे। Maybe you are worried about the salvation, you're concerned about the salvation of your family members. Why not lift your hand and begin to pray right now and say, Father, I'm concerned about my wife, I'm concerned about my children. Would you please touch them? And God indeed will touch them. Come on. हो सकता है कि आप अपने परिवार के लोगों के लिए उनको उद्धार मिलने के प्रति फिक्रमंद है, तो क्यों ना आप पिता के सामने प्रार्थना करते हुए कहें कि हे पिता, मैं प्रार्थना करती हूं मेरे परिवार के लोग, जो भी लोग उद्धार नहीं पाए उनको उद्धार मिल जाए, प्रार्थना करें। Look at the life of Abraham. अब्राहम की जिंदगी देखें। Genesis 18. निकालिए उत्पत्ति का 18वां अध्याय। And verse 23. उसका 23वां वचन। And it says, and Abraham came and said to God, would you destroy the righteous with the wicked? उत्पत्ति का 18वां अध्याय 23वां वचन। तब अब्राहम उसके नजदीक जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? God wanted to destroy Sodom and Gomorrah. They were not a good city. Lot of issues, lot of bad things were there. And here Abraham is sharing his heart with the father. और देखिए, पिता परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने पर थे और बहुत सारे बुरी चीजें वहां हो रही थी, बहुत सारे से बुरे मामले खड़े हुए थे और परमेश्वर नाश कर देना चाहता था सदोम और अमोरा को, लेकिन यहां पर हम देखते हैं अब्राहम अपना हृदय पिता परमेश्वर से बांट रहा है। Because of Abraham's intercession, Lot and his family were saved. और हम देखते हैं अब्राहम की बिनती प्रार्थना के वजह से लूत और उसका परिवार बच गया। You see, an intercessor is the one who shares his heart, his desire with the Father, with the Lord. तो आप देखते हैं बिनती प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो होता है जो अपना हृदय, अपनी तमन्नाओं को पिता से, प्रभु से बांटता है। Will you take your desires, my young sister, my young brother, to the Lord instead of sharing it with this one and that one who take it and abuse you and blackmail you? Would you say, Lord, I bring my desires to you, Lord? Open your heart, church. Open your heart. Do it now. और क्या आप अपने दिली तमन्नाओं को, अपने लालसाओं को पिता के पास लेके जाएंगे, ना कि किसी इंसान के पास जो कि लेकर फैला देंगे? नहीं, पिता के सामने जाकर अपने उन मामलों को, अपनी लालसाओं को बताएं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now let's go further right now. Go to the book of Genesis 43 and let's read from verse 8 now. चलिए, उत्पत्ति का 43वां अध्याय उसके 8वें वचन में पढ़ेंगे। And Judah said to Israel, his father, that's Jacob, okay? फिर यहूदा ने अपने पिता इज़राइल यानी याकूब से कहा, Send the lad with me, send Benjamin with me, and we will arise and go, that we may live and not die. उस लड़के को मेरे साथ भेज, बिन्यामीन को मेरे साथ भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और हमारे बाल बच्चे मरने नहीं पाएंगे। Both we and you and also our little ones. हम सभी और हमारे जाति सभी बने रहेंगे। I will be surety for him. From my hand you shall require him. मैं उसका जामिन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। If I don't bring him back to you, let me bear the blame forever. अगर मैं उसको तेरे पास पहुंचा कर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं हमेशा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। Notice the words of Judah. यहाँ पर गौर करें यहूदा क्या कह रहा है। I will be surety for him. मैं उसका जामिन होता हूँ। Notice those words. If I don't bring him, let me bear the blame. अगर मैं उसे वापस न लाऊं तो पूरा अपराध मुझ पर पड़े। Nobody is speaking.
कोई नहीं बोल रहा है। None of the brothers are speaking. और भाइयों में से कोई भी नहीं कह रहा है। But here is one person ready to stick his neck out, ready to put his reputation on the line, ready to put everything on the line for the sake of the family. Come on, somebody, hallelujah. व्यक्ति को जो अपना मान सम्मान, अपना ओहदा, अपना पद, अपना अधिकार सब कुछ यहाँ पर दांव पर लगाने के लिए तैयार है अपने परिवार के लिए। There is one man standing in the gap and his name is Judah. Hallelujah. एक व्यक्ति यहाँ पर जो बीच में खड़ा है उसका नाम है यहूदा। You know, God is looking for some people like that. और देखिए परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों की तलाश में है। Looking for some bold people. कुछ ऐसे साहसी हिम्मत वाले लोग। You know, people are saying today, why should I pray for others? और लोग आज ऐसे सवाल करते हैं, मैं क्यों दूसरों के लिए प्रार्थना करूं? You know, why should I pray for others? I've got my own issues. और मैं दूसरों के लिए क्यों प्रार्थना करूं? मेरे पास मेरे खुद के बहुत सारी परेशानियां हैं। Why should I pray for people on the Noah app? और Noah app पर जो लोग हैं उनके लिए मैं क्यों प्रार्थना करूं? I've got enough of my own issues. मेरे खुद के बहुत सारे मामले और परेशानियां हैं। But there are some faithful people. लेकिन ऐसे कुछ विश्वास योग्य लोग भी हैं। I'm telling you, church. You see, they pray for others. आप देखते हैं वे दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। That's standing in the gap. यही तो उस बीच में खड़ा होना है। The second thing, write this down. An intercessor is a person who's ready to stand in the gap, even if it costs him. विनती प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो होता है जो बीच में खड़ा रहने के लिए तैयार होता है, चाहे उसके लिए कुछ भी Standing in the gap is not a comfortable position. और देखिए उस बीच में खड़ा होना ये आरामदायक जगह नहीं है। It hurts you. It pains you. Because you see, sometimes you have to take the blame for it. You have to take it. Things work out, praise God. Either somebody gets the, you know, bouquet or what. But if things don't work out, then you're blamed for it. You see, it's, but only God understands you, your heart. You are like Judah. God is looking for a generation that will intercede so that Benjamin can rise. Hallelujah. आप देखते हैं जब बीच में होते हैं वे बहुत ही ठेस खा सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, वो घायल किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए किसी को तारीफ सराहना मिल रही है या फिर किसी को बहुत ही सम्मान मिल रहा है, गुलदस्ता मिल रहा है, तो देखिए सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन जब चीजें उसके मुताबिक न जाए तो सारा दोष जो है आपके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन जो बीच में खड़े होते हैं यही ऐसे लोग हैं जो खड़े रहकर प्रार्थना करेंगे और जिसके जरिए बिन्यामीन की पीढ़ी ऊंचा उठेगी। When somebody doesn't get a job, they will say, what is the use? Why are you praying so much? You didn't get, see, I'm still not got a job. As if, you see, if they get a job, it's because their degrees got done the job. But if they didn't get a job, it is because your prayers failed. See what I'm trying to say? और देखिए आप देख सकते हैं कि अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो वे आप पर दोष लगाएंगे, आप पर आरोप लगाएंगे कि तुम इतना प्रार्थना क्या फायदा हुआ, मुझे तो नौकरी नहीं मिली। देखिए अगर उनको नौकरी मिल जाती है तो वो पूरा श्रेय जो है अपनी डिग्री को दे देंगे, और अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो सारा आरोप जो है वो आपके ऊपर मर देंगे। This is how it happens. ऐसा ये होता है। But God is for you. Hallelujah. परमेश्वर आपके पक्ष में है। Your reward does not come from men. Hallelujah. आपका इनाम और प्रतिफल इंसान से नहीं आता। Your children, even if it is a loved one, your reward will not. God will be your reward. Hallelujah. आपके बच्चों, आपके प्रियजनों के लिए क्यों ना हो? Come on. आपका इनाम और प्रतिफल परमेश्वर होगा। Do you know what happened to Judah? आप जानते हैं यहूदा के साथ क्या हुआ? This man Judah. ये व्यक्ति यहूदा. The Messiah came through Judah. Hey. और हम देखते हैं मसीहा यहूदा में से निकल कर आया। That's why he's not called the lion of the tribe of Issachar, the lion of the tribe of Simeon or Benjamin. He's called the lion of the tribe of Judah. Hallelujah. और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस्साकार के गोत्र में से आया हुआ शेर या फिर बिन्यामीन के गोत्र में से आया हुआ शेर या शिमोन के गोत्र में से आया हुआ शेर नहीं कहलाया, लेकिन यीशु मसीह कहलाया यहूदा के गोत्र में से आया हुआ शेर। That is called standing in the gap. तो कहलाता है उस मध्य में बीच में खड़ा होना। God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। God never forgets. परमेश्वर कभी भूलता नहीं। God never forgets. परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं। I'll tell you one more person. और एक व्यक्ति और। You know when Jesus is carrying the cross. अब देखते हैं यीशु मसीह क्रूस को लेकर जा रहे थे। And he falls. और वो गिरते हैं। And now the soldiers are looking for someone to carry the cross. और फिर वहां पे जो सैनिक लोग तलाश में होते हैं कोई एक व्यक्ति आकर क्रूस उठाए। And the Bible says, there was a man from the countryside. He had just come to see what is going on. एक दूसरे देश से एक व्यक्ति आया था, बस वो देखने के लिए आया था। His name was Simeon, actually. And he's just watching, and the soldiers force him, hey, pick up the cross. और वो शमोन नामक व्यक्ति बस आया वहाँ पे देख रहा था, सैनिकों ने कहा चलो क्रूस उठाओ। And he picks up the cross. और वो क्रूस उठाता है। Do you know what happened? आप जानते क्या हुआ? He became one of the bishops. I tell you. एक महाध्यक्ष बन गया। I'm telling you. कहते हैं हमसे। A passer by, a stander, just watching. और एक ऐसा व्यक्ति जो खड़े होकर देख रहा था बस। Maybe you're just somebody sent you the link and you are like, oh praise God, I received this link. Who's this guy talking? I want to say today, will you put it in your life? Would you receive this thing and say, yes, I'm going to begin to pray. I'm going to begin to pray for my church. I'm going to begin to pray for this broadcast. I'm going to begin to pray for the request that I received. And let me tell you, there is promotion going to come in your life, in your business, in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. आप ऐसे कोई व्यक्ति हो
परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर की ओर से आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। लिफ्ट योर हैंड्स ऑल दोज आर वाचिंग एंड बिगिन टू प्रे। चलिए अपने हाथ उठाएं, जो लोग देख रहे हैं सबके लिए प्रार्थना शुरू करें। यू सी नाउ प्रेयर इज राइजिंग टू द थ्रोन ऑफ गॉड। आप देख सकते हैं यहां पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रार्थना उठ रही है। रेज योर हैंड अप, चलिए अपना हाथ उठाएं। आई से होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, मूव अपॉन एवरी पर्सन हु इज वाचिंग दिस ब्रॉडकास्ट। हर एक व्यक्ति जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है, पर मंडराने लगा, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, क्या हो रहा है इस वक्त, यू आर प्रेइंग, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वी आर प्रेइंग, हम प्रार्थना कर रहे हैं, समबडी एल्स इज प्रेइंग, कोई और भी प्रार्थना कर रहा है। द एनॉइंटिंग इज हिटिंग यू राइट नाउ, अभिषेक बस आप पर टूट रहा है। टू लिफ्ट योर हैंड एंड बिगिन टू प्रे राइट नाउ। और चलिए अपने हाथ उठा के प्रार्थना करें। होली स्पिरिट मूव अपॉन एवरी होम, पवित्र आत्मा मंडरा हर एक घर में। लेट देयर बी पीस एंड अंडरस्टैंडिंग इन एवरी होम, इन एवरी फैमिली दैट इज कनेक्टेड विद दिस ब्रॉडकास्ट राइट नाउ। बिगिन टू प्रे, बिगिन टू प्रे, परिवार में जो इस ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं, परमेश्वर की शांति आ जाए इस वक्त। यस, बिगिन लॉर्ड आई प्रे marriages be healed even as people are watching right now. और प्रभु जैसे लोग देख रहे हैं, समय प्रार्थना करते हैं कि शादियां चंगी हो जाए। Young people that are watching, may the Lord bless you with a good life partner in the name of Jesus. Begin to pray. लोग देख रहे हैं, समय प्रार्थना करते हैं, आप सभी को अच्छे जीवन साथी से आशीष करें यीशु के नाम में। Those who are jobless, जो बेरोजगार हैं, maybe you are jobless, maybe you don't have a job, शायद आपके पास कोई नौकरी ना हो, Pastor I don't have a job, why should I pray for others? मैं क्यों दूसरों के लिए प्रार्थना करूं? Because you are praying for others. क्योंकि आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। The anointing is coming on you. अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। Holy Spirit move upon every person who's jobless, who have lost their jobs. Let them receive good, well-paying jobs in Jesus' name. Yes, receive, 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 receive. जो बेरोजगार जिनके पास नौकरी नहीं है, बोल दीजिए कि अच्छे तनख्वाह वाली नौकरी वे सभी पा लें। In the name of Jesus. The anointing is moving. अभिषेक मंडरा रहा है। The presence of God is moving. परमेश्वर की उपस्थिति मंडरा रही है। Hallelujah. Hallelujah. Come on, somebody shout Hallelujah. चले कोई तो चिल्लाए Hallelujah. Lord, we pray that every sickness and disease in their families be uprooted in Jesus' name. और प्रभु इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि हर रोग और बीमारी, दुर्बलता इनके शरीर के घर परिवार में से उखाड़ दिया जाए यीशु के नाम में। Say Lord, heal me now. बोले प्रभु मुझे चंगा कर दे। You're not only praying for yourself. आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। You are praying for the people that are watching right now. जो लोग देख रहे हैं आप उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। Holy Spirit, every person connected with this broadcast, heal them. Let that sickness, that disease, that fever, that be uprooted in the name of Jesus. पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं जो भी लोग इस ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, इस वक्त प्रार्थना करते हैं उन सब पर मंडराने लग, हर एक रोग बीमारी दुर्बलता को उनके शरीर उनके परिवार में से उखाड़ दे यीशु के नाम में। Begin to pray, begin to pray right now. प्रार्थना का शुरू करें इस वक्त। You have needs of your own. आपकी खुद की भी कई जरूरतें हैं। But you are praying for others. लेकिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। That is called intercession. यही तो कहलाता है प्रार्थना विनती। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Do you know in the entire Bible? आप जानते हैं पूरे बाइबल में? There are two kinds of people. दो तरीके के लोग हैं. That God is really looking for. परमेश्वर जिसकी बहुत ही तलाश में है. The first one. पहला है. Is a worshipper. आराधक. You see in John 4:23-24. और देखिए यूहन्ना के चौथे अध्याय 23-24 वचन में. The Bible says. बाइबल कहती है. God is seeking for worshippers. परमेश्वर आराधकों की तलाश करता है. They are in such rare commodity that God has to seek them. बहुत ही कम मात्रा में ऐसे आराधक है जिनको परमेश्वर दरअसल ढूंढ रहा है। There are a lot of people praying. और प्रार्थना करने लिए बहुत सारे लोग हैं। Oh Lord, give me this, give me that. परमेश्वर मुझे ये दे दे, वो दे दे। But worship, लेकिन आराधना, it's all about Him. ये सिर्फ उसी के बारे में है। Oh, somebody lift your hand and say, Lord, I worship you. चलिए कोई तो अपने हाथ उठा रखे, प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ। Just forget about yourself and God, say, God, you are holy. Come on. भूल जाए कि अपने बारे में बस कहे परमेश्वर तू पवित्र है। You are glorious. You are the King of kings. King of kings. Come on, say that. बोलिए, बोलिए, बोलिए इसमें। What you're doing? You're worshiping the Lord. आप क्या कर रहे हैं? आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं। You are honoring the Lord. आप प्रभु का सम्मान कर रहे हैं। Guess what? सोचिए जरा। The Lord's eyes are upon you. आंखें आप पर टिकी हुई हैं। Right now, the Lord's eyes are on your family. इस वक्त प्रभु की आंखें आपके परिवार पर। Raise your hand and say, oh God of heaven and earth, I bow before you. My. Glory to God. I say, Lord Jesus, you are my Savior, my King and my Lord. I honor you, I worship you. Lift your hand and I tell you, something big is about to happen in your life. In the name of Jesus. God is looking for a worshiper. That's one of his favorite people. और परमेश्वर आराधकों की तलाश में है। ये उस वर्ग के लोग हैं जिनको परमेश्वर बहुत ही पसंद करता है। And the second one, और दूसरे हैं, as you already know now, और जैसे अभी हम जान चुके हैं, is an intercessor. वह प्रार्थना विनती करने वाले। You see, God is always on the lookout for intercessors. और देखिए परमेश्वर हमेशा मध्यस्थी की प्रार्थना विनती करने वाले की तलाश में रहता है। Please listen to this. सुनिए ध्यान से। Go with me to the book of Ezekiel. चलिए निकालें इस समय यहेजकेल की पुस्तक। You know, God saw the stuff that was happening in Israel. और देखिए इज़राइल में जो सारी चीजें घट रही थी परमेश्वर ने देखा। What is happening in Jerusalem? यरूशलेम में जो हो रहा था। People were in idolatry. People were in other bad things.
you know, all sexual immorality, and God says, I want to send my judgment, but before that, I want to see if there is an intercessor. Hey, come on, come on. अपना दंड और न्याय वहाँ भेजने पर था, लेकिन परमेश्वर उससे पहले जाता था कि मैं एक विनती प्रार्थना करने वाले को ढूंढना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ. You know, that's why I never like to prophesy judgment and doom and gloom. You know, anybody can do that. और देखिए इसी वजह से न्याय या दंड के बारे में या कोई भी ऐसी विपदा के बारे में प्रचार करना है भविष्यवाणी करना पासवान जी पसंद करती ही नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी ये बातें कर सकता है. He says, I was looking for a man. परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा. Who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land. Come on, somebody. जो को सुधारे और देश के निमित्त ना कि मेरे सामने ऐसा खड़ा हो. One man. एक आदमी. Hey, Jesus. But unfortunately, he says, so that I should not destroy it, but I found no one. See, God is lamenting. He says, I did not find one person. देखिए परमेश्वर कह रहा है मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई भी ना मिला. देखिए यहाँ पे परमेश्वर विलाप कर रहा, माता मनाते कह रहा मुझे एक व्यक्ति भी नहीं मिला. You can choose your friends. आप अपने दोस्तों का चुनाव कर सकते हैं. You can choose your job. आप अपनी नौकरी का चुनाव कर सकते हैं. But you don't get to choose your family. God chose it for you. लेकिन आप अपने परिवार का चुनाव नहीं कर सकते, परमेश्वर ने आपके लिए चुनाव किया है. God must have certainly known something to send you in that family. और देखिए परमेश्वर कुछ खास बातें जानता था, इस वजह से आपको उस परिवार में भेजा. Oh, and we can so easily criticize our family. देखिए हम अपने परिवार की बड़ी आसानी से निंदा कर सकते हैं. Would you just raise your hand every day and say, God, I'm going through tough times in my family, but would you please touch my family and turn them around towards you in Jesus' name? Begin to pray. Begin to pray. हर दिन ये प्रार्थना करेंगे. सारा मांडेले खादे. अपने परिवार के बहुत सारे ऐसे उलझन भरे मामलों से गुजर रहा हूँ, लेकिन प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या आप मेरे परिवार को छूकर उन्हें पूरी तरह से तेरी ओर मोड़ देंगे? That's an intercessor. यह है मध्यस्थी. Standing in the gap. मध्य में बीच में खड़े होना. And God is saying, because of you, और तुम्हारे वजह से, I will bless the whole family. मैं पूरे परिवार को आशीष दूंगा. Somebody needs to shout an amen, somebody. Lift your hands for 10 seconds and say, Father, in the name of Jesus, I ask you to touch everyone, those who are watching today's broadcast. Let chains of darkness break over their lives and let them experience miracles in Jesus' name. Come on, begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. You pray for someone else. You are watching me right now. The chains of darkness are breaking. Chains of sickness are breaking. You will see miracles because something will happen. Big will happen. Those who are believing God, may big miracles happen in your life today in Jesus' name. Yes. 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 In the name of Jesus. I was in Singapore. And over there, I met a wonderful sister who's a senior sister in the Lord. और वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बहन से पासवान जी की मुलाकात हुई, जो कि प्रभु में एक वरिष्ठ बहन. And we as a family we were having dinner there. और एक परिवार के रूप में हम और परिवार के रूप में उनके साथ रात का खाना. And she was serving the Lord in Malaysia. और मलेशिया में प्रभु की सेवा करती. And she introduced herself and we got talking and things like that. And I said, what does your daughter do? And she said, my daughter is a surgeon or top surgeon in the UK. और उन्होंने अपना परिचय कराया, फिर पासवान जी का परिवार उनसे सब बातचीत होने लगी. तो पासवान जी ने उनसे पूछे कि आपकी बेटी दरअसल करती क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो है यूके में एक बहुत बड़े ऊंचे पद में सर्जन का काम करती है. And I said, wow, that's so powerful. पासवान जी का बहुत बढ़िया ये तो. And she said, Pastor, yes, it's a wonderful testimony, but you see, when my daughter was born, my husband quit. He left me high and dry. वो बता रही थी ऐसा कि पासवान जी, बड़ी अच्छी है कहानी और गवाही है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था तब मेरे पति मुझे छोड़ के निकल गए, चले गए, भाग गए. She says, I was all alone. और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई. I was a single mom. मैं अकेले ही अपने and I went through hell. और मैं नरक में से होकर. We didn't have food to eat. We didn't have a proper place to stay. We were staying on the streets. हमारे पास कई कई दिन तक खाने के लिए कुछ होता नहीं था, सही जगह हमें रहने के लिए नहीं थी, हम सड़कों पर दिन गुजार दिया करते थे. And that place, the atmosphere was not good. और उस जगह का वातावरण, माहौल वहाँ पर सही नहीं था. But he says, I decided one thing. लेकिन मैंने एक चीज को ठान लिया. That every day I would pray for 1 hour. हर दिन मैं एक घंटे प्रार्थना करूंगी. Specifically for my daughter and her future. और खास तौर पे अपनी बेटी और उसके भविष्य के लिए. She would pray for the church and other things separately. She was serving the Lord. और देखिए प्रभु की सेवा करती तो अपने कलीसिया और दूसरे बातों के लिए वो अलग से प्रार्थना किया करती. And she said, I asked her, Pastor, did you do that every day? और पासवान जी ने उससे पूछा कि पासवान जी, क्या आप हर दिन ऐसा करती? She said, I had no choice, Pastor Mike. तो उन्होंने बताया, पासवान माइकल जी, मेरे पास दूसरा कोई चुनाव ही नहीं था. I prayed हर दिन that my daughter would be blessed with a good life partner. कि मेरी बेटी अच्छे जीवन साथी से आशीषित हो. I prayed that my daughter would study well. मेरी
प्रार्थना ये होती थी कि मेरी बेटी अच्छे से पढ़ाई करे। I prayed that she would be untainted from the things that were happening. You see, there was a lot of sexual immorality in that place, and that she prayed that her daughter would be safe from all that. And she said this, I had tears in my eyes. और देखिए, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ का माहौल बहुत ही बुरा था, बहुत ही गंदे प्रकार के काम वहाँ पर हुआ करते थे। तो वो बताती हैं कि वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते थे कि उनकी बेटी हर एक प्रकार के बुरे माहौल से बची रहे, सुरक्षित रहे। और पासवान जी ये सुनकर के आंखों में आंसू भरा है। And she said, और उन्होंने बताया, she said, Pastor, उन्होंने कहा, Today my daughter is a very high surgeon. I don't want to please name her or something like, you know, she mentioned a name of a research institute over there, which is all over Europe. And she said, my daughter heads that division. I said, wow. और फिर उन्होंने बताया, देखिए वहां पर पूरे यूरोप में जो एक रिसर्च का जो एक बहुत बड़ा अध्ययन केंद्र है, वहां पर वे ऊंचे पद पर हैं और सारी चीजों का मार्गदर्शन वो करती हैं। She has a husband who believes in the Lord and he serves God. उनके एक पति है जो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु की सेवा भी करते हैं। They have a beautiful child. उनको एक खूबसूरत बच्चा है। Who plays the keyboard, worships God in the church. और जो कीबोर्ड बजाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। And in spite of being such a top surgeon in the research facility over there, she still loves the Lord. Hallelujah. और Come इतने on. बड़े सर्जन होने के बावजूद, वहाँ के रिसर्च का एक मुख्य ओहदे पर होने के बावजूद, देखिए प्रभु से वो प्यार करती है। This can be your story. ये आपकी कहानी हो सकती है। And I prophesy this will be your story. भविष्यवाणी करते हैं, ये आपकी कहानी बने। You see, it is not that a prophecy has to be a name and a number. You see, receive this word what I'm telling you today. Take this up in prayer. Start praying and say, Lord, I want this to happen. Pray in line with the word, and I tell you, the Lord will be faithful to you because you are an intercessor. Come on, somebody, hallelujah. Yes. I want to encourage you. I want to bless you, church. Don't give up. Don't see the darkness around you. Because you see, God is a specialist for out of bringing light out of the darkness. Come on, sir. Yes. That is our God. That is our God. Out of nothing, He will bring something. कुछ भी ना चीज या कोई शून्य चीज। That's why they call him creator. इसलिए उसे नाम दिया जाता है सृष्टिकर्ता। Before you hang in your boots, before you give up, you must say, Lord, I raise my hands to you one more time, and you'll be glad you did that. Hallelujah. हार मानने से पहले बस आपको एक बार कहना है कि प्रभु मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। देखिए आप खुशी मनाएंगे ऐसा करके। Don't stop praying. प्रार्थना करना बंद करें। Don't stop believing God for the salvation of your children. अपने बच्चों के उद्धार के लिए परमेश्वर में विश्वास करना बंद करें। Don't stop believing for your deliverance of your marriage. आपकी शादी के छुटकारे के लिए विश्वास करना रुके नहीं। God is looking at you. परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। Don't only pray for your marriage. अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें। Pray for the marriages of the people who are watching. You see, many of you today, your life will turn around. Hallelujah. और इस सेवकाई में के लोगों की शादी। Yes, yes. देख रहे हैं उन सबकी शादी शादी करें। आप देखते हैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी मुड़ जाएगी। I'm telling you, there was a young man. एक नौजवान युवक था। Who was caught up in the things of the world. जो दुनिया की चीजों में फंस गया था। Because he came from a very poor family. And he had this false notion that if he did all what he could do, whatever bad thing, good thing, he could rise up. उसके अंदर ऐसी धारणा थी कि जो कुछ भी देखे जो वो कर सकता है अगर वो करे तो जो भी बुरी और भली चीजें होती है उस पर वो ऊंचा उठेगा. So he went into deep into music. तो वो म्यूजिक में गहराई में चला गया. He went into some bad businesses. और कुछ बुरे व्यवसाय के सौदे में चला गया. And he was far away from God. But you see, there was one woman in his life who would hold on to God. And she would tell him that I have dedicated you to my God. When you were in the hospital, she lifted her son, a baby who was just born, and said, I give him to you. और वो बताती अपने बेटे को कि जब तुम छोटे बच्चे जब तुम पैदा ही हुए थे तो मैंने तुम्हें ऐसे हाथों में उठा का परमेश्वर की ओर उठाए और मैंने कहा कि परमेश्वर इस बेटे को मैं तुझे दे देती। She was an illiterate woman. वो अनपढ़ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। Because they couldn't afford even food, so how could they go to school? और देखिए खाने पीने की चीजों का उनसे इंतजाम नहीं हो पा रहा था तो स्कूल कैसे जाएं फिर? Somehow she learned had to learn to read the Bible. और किसी तरीके से देखिए उन्होंने बाइबल पढ़ने को सीखा। A B C D like that she would read. A B C D करके वो पढ़ती। And that boy would make fun of her. और उनका बेटा उनका मजाक उड़ाया करता। But she would say, लेकिन वो कहती, One day, एक दिन, you will serve God. तुम प्रभु की सेवा करोगे। You will serve God. तुम प्रभु की सेवा करोगे।
Today she is not on this earth. आज वो इस दुनिया में तो नहीं है. But her prayers. क्योंकि प्रार्थना है. Because of her prayers. क्योंकि प्रार्थना की वजह से. I stand in front of you. आपके सामने पासवान जी खड़े हैं. That's the boy. यही वो लड़के हैं. When you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं, God will move. परमेश्वर कार्य करेगा. I want to encourage everyone watching today. जो कोई भी देख रहे हैं, उन सब का हौसला बढ़ा. Make some prayer points. Begin to pray for your church. Begin to pray for this ministry. Begin to pray, and I tell you, for the glory of God, there's going to be a turnaround in your life in Jesus. प्रार्थना मुद्दे बनाकर अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू करें और परमेश्वर की महिमा के लिए आपसे कहना चाहते हैं, एक बदलाव उठाएगा. The Bible says in Job 42. बाइबल ऐसा कहती है, अय्यूब की पुस्तक उसके 42वें अध्याय में खत्म हो रहा है. Job prayed for his friends. What kind of friends? The same fellows who criticized him, condemned him, wrote something on Facebook. Something else. ये वही दोस्त थे जो अय्यूब पर दोष लगाते थे, आरोप लगाते उसके खिलाफ में, कुछ Facebook पे लिखते, माफी चाहते, Facebook पे नहीं लिखा. घर में लफड़ा होता है, दूसरे के बारे में मिनिस्ट्री का नाम खराब करता है. It may be in your family also. You do good to them. You pray for them. Prophesy. They'll speak something else. Yes. These are your own brothers, own sisters. Don't give up for them. Pray for them. Hallelujah. They will not lift you up. भले वे आपकी तारीफ न करें, बट गॉड विल ऑनर यू. लेकिन परमेश्वर आपका आदर करेगा. When Job prayed for his friends, जब अय्यूब ने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, you know what happened? जानते क्या हुआ? The Lord blessed him double. प्रभु ने उसे दुगने से आशीषित किया. The Lord blessed him double. प्रभु ने उसे दुगने से आशीषित. Everything that he had increased. Hallelujah. सब कुछ उसके पास अब बढ़ गया. That tells me something. ये बताता है मुझे. When you intercede, जब आप मध्यस्थी करते हैं, the anointing of increase will come upon your life. बढ़ोतरी का अभिषेक आपकी जिंदगी पर आएगा. Don't listen. सुनिए. Don't when your pastor calls you for intercession. जब आपके पासवान जी आपको मध्यस्थी Don't hide. छुपो मत. You know, there are people. ऐसे लोग हैं. They are hiding. वे छुपते रहते हैं. Pastor should not see me. मुझे कोई देखने न पाए. Excuse me, Pastor. I'm so busy. Take this 100 rupees. Go away. I don't want to interfere. मैं बहुत व्यस्त हूँ. ये 100 रुपये रखो. जाने दो. When you send your prayer request, जब आप अपनी प्रार्थना भेजते हैं, we will pray for you. हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए. So now you also have to pray for me. तो आपको भी पासवान जी के लिए प्रार्थना करना. Because when God sees you doing that, क्योंकि परमेश्वर जब आपको देखे करते हुए, increase, the anointing of increase will come. बढ़ोतरी का अभिषेक आ जाएगा. Your children, which were wayward, they will suddenly say, Mama, I want to come to church. Dada, I want to come to church. It will happen. It will happen in Jesus' name. आपके बच्चे जो शरारती हुआ करते थे, जो बुरे बर्ताव किया करते थे, वो भी आकर आपसे कहेंगे, मम्मी पापा हम भी कलीसिया में आना चाहते हैं. This is the end time message. और ये अंत समय का संदेश है. This is an intercessor. So I'll tell you now. तो आपको बताते हैं अभी. God's anointing is going to come upon you. Now watch this. Watch this. Now watch this. गौर करें. Listen. सुनिए. You know the high priest? आप जानते हैं महायाचक? He was a picture of an intercessor. वो मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले का चित्र. What do you mean picture of an intercessor? और मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले का चित्र, इसका मतलब क्या? Listen to me. सुनिए. When he went into the presence of God. और देखिए जब वो प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं. He would carry stones upon him. अपने सीने पे देखिए पत्थर रख के जाते हैं. Each stone represented a tribe. हर एक पत्थर जो है एक एक गोत्र का प्रतीक हुआ करता है. It was on his heart. और उसके हृदय पे सीने पे. It speaks of a burden. ये बोझ के बारे में बताता है. So when he went inside. तो जब वे अंदर जाते. He would carry the whole tribes of Israel. तो इज़राइल के सभी गोत्रों को लेके जाते हैं. When you come into the presence of. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं. Hey. सुनिए. You should carry your family before the Lord. आपको अपने परिवार को उठाकर लाना है. You should carry your church before the Lord. अपने कलीसिया को आपको. You should carry your pastor before the Lord. अपने पासवान को आपको लाना है. You should carry your J12 leader before the Lord. अपने J12 अगुए को आपको. You should pray for the staff of this ministry. सेवकाई के स्टाफ के लिए आपको प्रार्थना करनी है. And you know. और आप जानते. That's why he was not just called a priest. He was called a high priest. और इसी वजह से वो सिर्फ याचक नहीं कहलाते, लेकिन महायाचक कहलाते. Somebody's status is changing. Somebody's level is changing. किसी का तो पद, किसी का तो स्तर आज बदल रहा है. I'm telling you. कहते हैं आपसे. Next to your name, it will be called high. Hallelujah. और अगर आपका नाम कहलाएगा, it's going to be. It's because you see, elevation comes when God sees that you're not only concerned about yourself, you are concerned about His people. Then God says, "Let me lift you up now." Hallelujah. Come on, come on. उठाया जाना तब आता है जब परमेश्वर देख लेता है कि आप अपने बारे में फिक्रमंद नहीं हैं, लेकिन आप परमेश्वर के लोगों के लिए फिक्रमंद हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. Karuna Southern Ministries ke har latest update ko paane ke liye hamare YouTube channel ko subscribe karein aur notification paane ke liye bell icon ko dabayein.